हेलो एंड वेलकम टू आर फॉर यू चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई एक डार्क कॉमेडी मूवी जिसका नाम है बैंशीज ऑफ इनिशिरिन। इस मूवी की रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10 और इस मूवी ने अभी तक 87 अवार्ड्स जीते हैं और 271 बार ये मूवी नॉमिनी हुई है। ये रियली में एक मास्टरपीस मूवी है। वैसे तो काफी कम मूवीज ऐसी होती हैं जो इतनी मीनिंगफुल होती हैं। ये मूवी आपको आपके अंडरस्टैंडिंग और साथ ही आपके आसपास के बारे में आपकी एबिलिटी को एनहांस करती है। द बैंशीज ऑफ इनिशिरिन उन्हीं रेयर मूवीज में से एक है। इस मूवी को राइट और डायरेक्ट किया है मार्टिन मैकडॉन ने, जिन्होंने अब तक काफी अच्छी मूवीज दी हैं। यहाँ उनकी यही खासियत है कि वो एक डार्क कॉमेडिक टोन को लेकर मूवी बनाते हैं, जो कि उनकी मूवी की स्टोरी की एक डीपर थीम होती है। उनके कैरेक्टर्स एक मिनट में आपको हंसा सकते हैं और दूसरी तरफ आप डीपली उनकी चॉइसेस को सोचने में मजबूर हो जाते हैं और साथ ही आप उन कैरेक्टर्स को अपने आप से कंपेयर करने लगते हैं। मैकडॉन की बैंशीज ऑफ इनिशिरिन अब तक का उनका सबसे बेस्ट वर्क है। इस मूवीज में कैरेक्टर्स को बहुत सारी लेयर्स दी गई हैं और उनका रिलेशनशिप इस मूवी को बहुत ही खास बनाता है। यहाँ मैं हर एक कैरेक्टर के बारे में और मूवी की थीम के बारे में डीपली बात करूंगी। ये मूवी बहुत ही सिंपल मूवी है जिसकी स्टोरी एक रिलेशनशिप के ब्रेकअप को दिखाती है। यहाँ कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी में टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट मूवी स्टार्ट होती है, जो कि काफी अच्छा टेम्पो क्रिएट किया गया है पूरी मूवी में। जहाँ आजकल की मॉडर्न मूवीज में हम बहुत सारे टूल्स देख सकते हैं, वहीं ये मूवी सिंपल और रिलैक्सिंग है। स्टोरी स्टार्ट होती है ईयर 1923 में, जहाँ आयरिश सिविल वॉर का दौर चल रहा था और इसी वॉर के बैकड्रॉप को यूज करके मेटाफोर को समझाया गया है, जो कि दो फ्रेंड्स पैट्रिक और कॉम के कॉन्फ्लिक्ट्स को दर्शाता है। पैट्रिक एक शाम हर रोज की तरह ही अपने फ्रेंड कॉम के घर जाता है, जहां से वो पब जाने वाले थे, पर कॉम अपने घर का डोर नहीं खोलता और पैट्रिक निराश होकर वापस अपने घर लौट आता है। कल ही वो दोनों एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे और आज के दिन उनके रिलेशनशिप में एक दरार आ चुकी है। वो लोग एक ऐसे आइलैंड में रहते हैं जहां कुछ ज्यादा नहीं है करने के लिए, पर एक बहुत बड़ा इवेंट जो कि आयरिश सिविल वॉर है, वो उनके कुछ ही दूर देखा जा सकता है। पैट्रिक अपने सिंपल और कांस्टेंट लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है, पर जब उसका फ्रेंड कॉम उसकी फ्रेंडशिप को छोड़ देता है, तब पैट्रिक अपने आप को काफी आइसोलेटेड फील करने लगता है। जहाँ पैट्रिक अपने लिए एक नया कंपेनियन बनाता है जिसका नाम है डोमिनिक, जो कि टाउन का एक स्ट्रेंजेस्ट पर्सन है क्योंकि वो डेस्परेटली अपना प्यार ढूंढ रहा है। यहाँ डोमिनिक के डैड है जॉनजो, जो कि एक पुलिस में है। दोनों कैरेक्टर्स पैट्रिक और डोमिनिक अपने फ्रस्ट्रेशन को दूसरे से शेयर करते हैं, जहाँ डोमिनिक के डैड उसे बहुत फिजिकली अब्यूज किया करते थे। अब यहाँ सियो बेन है, जो कि पैट्रिक की बड़ी बहन है और मेरे हिसाब से वो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वो भी यहाँ अपने कंपेनशिप के लिए काफी डेस्परेट है, बट वो कभी भी इसे शो नहीं करती है। आइलैंड के सारे लोग उसे एक कॉन्फिडेंट और बोल्ड बहन की तरह देखा करते हैं, जो ज्यादा बाहर नहीं जाती थी। इसके अलावा उसकी कोई इमेज नहीं है, बस कॉम ही है जो उस परसेप्शन को समझ सकता है। सियो बेन एक सेंसिटिव वुमन है जिसकी उम्मीद अब कम होती जा रही है। कॉम उसके पेन को फील कर सकता है क्योंकि वो खुद भी इसी पेन से गुजर रहा होता है। उन तीनों के कंपैरिजन में कॉम को लोग आइलैंड पर ज्यादा एडमायर करते हैं, जहां आइलैंड के लोग उसके अटेंशन के लिए डेस्परेट भी दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी लाइफ में एक आउटसाइडर की तरह फील करता है। वो पैट्रिक के साथ एक गुमनाम जिंदगी नहीं जीना चाहता, वो अब अपना नाम बनाना चाहता है ताकि लोग उसे सालों साल याद रखें। और मूवी की स्टोरी उसकी ये डिसीजन के अराउंड ही बिल्डअप होती है, जो अपने डिजायर को पूरा करने में लगा हुआ है। अगर बात करें कॉम के डिसीजन की, तो लेगेसी और मोरालिटी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी अच्छे इंसान को याद नहीं रखता है, इसलिए अच्छा और दयालु होने की एक लिमिटेड वैल्यू होती है। पर पैट्रिक का कहना है कि वो हमेशा अपने मॉम डैड और उसके सिस्टर की काइंडनेस को याद रखेगा। यहाँ सबसे शॉकिंग बात ये है कि इस मूवी के एंड में कोई लीड कैरेक्टर मरता नहीं है, जैसे कि स्टार्टिंग में एक प्रिडिक्शन में बताया गया था। लेकिन एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट जरूर है जहाँ डोमिनिक मारा जाता है और साथ ही पैट्रिक का डोंकी ड्रेक भी मर जाता है, तो इन दोनों की डेथ ही इस प्रेडिक्शन को पूरा करती है। कॉम शुरू से ही पैट्रिक को सजेस्ट करता है कि उन्हें अपनी फ्रेंडशिप अब वहीं पे एंड कर देनी चाहिए,
क्योंकि वो उन सब से बोर हो चुका है और आगे बढ़ना चाहता है। साथ ही वो ये भी बोलता है कि अगर पैट्रिक उससे बात करने की कोशिश करेगा तो वो अपनी फिंगर एक के बाद एक काटता रहेगा। पर पैट्रिक फिर भी कॉम से फ्रेंडशिप रखना चाहता था, लेकिन अपने फ्रेंड को हर्ट ना करने के लिए वो उससे दूर रहता है। कॉम इस पॉइंट पर काफी हर्टलेस हो चुका था, लेकिन जब कॉम को रियलाइज होता है कि उसने यहाँ काफी डैमेज किया है तो उसे बहुत दुख पहुँचता है। एक्चुअली में हुआ ये था कि पैट्रिक ने कॉम से बात करने की कोशिश करी थी, पर जब पैट्रिक रुका नहीं तो कॉम ने अपने हाथ की सारी फिंगर्स काट दी और उसके घर भेज दी। गलती से एक फिंगर डोंकी ड्रेक ने निगल ली, जिससे वो चोक होकर वहीं पे मर गया। इस इंसिडेंट के बाद से कॉम को हम फर्स्ट टाइम इमोशनली देखते हैं। कॉम यहाँ से एम्पैथी फील करना स्टार्ट कर देता है अपने फ्रेंड पैट्रिक के लिए, पर पैट्रिक भी इस टाइम तक बेकाबू हो चुका था क्योंकि वो अपने डोंकी से बहुत अटैच था। इसलिए वो कॉम को धमकी देता है कि वो नेक्स्ट डे उसके घर में 3 बजे आकर उसको आग लगा देगा और अगर उसे बचना है तो वो अपने घर से बाहर चला जाए। नेक्स्ट डे पैट्रिक कॉम के घर में रियल में आग लगा देता है, पर वो कॉम के डॉग को आग से बचा भी लेता है। यहाँ ये भी शो होता है कि पैट्रिक कभी किसी को हार्म पहुँचाना नहीं चाहता था, बस वो कॉम से गुस्सा था और उसी को वो पनिश करने वाला था। यहाँ से कॉम को अपने एक्शंस और बिहेवियर के लिए सॉरी फील होना स्टार्ट हो जाता है और यही ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी की थीम सेट है आयरिश सिविल वॉर में, जहां एक आइसोलेटेड आइलैंड में दो फ्रेंड्स एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। ये सिंबलाइज करता है कि कैसे आयरिश सिविल वॉर में एक आयरिश इंसान दूसरे आयरिश इंसान से लड़ रहा होता है। कभी कभी अलग रिलीजियस बिलीफ के चलते हम अपने लोगों से ही लड़ पड़ते हैं। अलग सोच और अलग लॉयल्टीज की वजह से हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक अच्छी खासी फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप को तोड़ देते हैं। जैसे कि आयरिश सिविल वॉर का कभी कोई एंड नहीं हुआ था, वैसे ही यहाँ पे कॉम और पैट्रिक दोबारा फ्रेंड्स तो नहीं बने पर दुश्मन भी नहीं रहे। उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर इससे काफी लोगों को सफर करना पड़ा, जैसे यहाँ डोमिनिक के कैरेक्टर को सफर करना पड़ा था और डोंकी यहाँ पे मारा गया। वॉर किसी रीजन की वजह से लड़ी जा सकती है, पर लोगों के लिए ये बस एक वॉर ही होती है। ये मूवी कभी भी एक फ्रेंडशिप को अपलिफ्ट करने वाली कोई स्टोरी नहीं थी, बल्कि ये विजुअलाइज कराती है कि कैसे आयरिश लोग फील कर रहे थे वॉर के टाइम पर और उनका असर उनकी सराउंडिंग्स में किस तरह पड़ रहा था। अब यह कॉम बार बार पैट्रिक के ऑफर को रिजेक्ट कर रहा था। ये उस नेगोशिएशन को दिखाता है जब आयरिश सिविल वॉर में दोनों साइड लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन लड़ाई फिर भी चालू थी और बहुत सी बॉडीज रोड पर देखी जा सकती है। यहाँ दोनों साइड एक दूसरे को गलत ठहराने पर मजबूर थे और यहाँ कोई सेटलमेंट ही नहीं हो पा रहा था। एंड में कह सकते हैं कि ऑफिशियली वॉर ओवर जरूर हो गई थी, पर रियली में वॉर कभी एंड हुई नहीं थी। पैट्रिक और कॉम अभी भी एक दूसरे के एनिमीज हैं। पैट्रिक कभी कॉम को माफ नहीं करेगा उसके डोंकी को मारने के लिए, और साथ ही उसके बच्चे या उसके ग्रैंड किड कभी कॉम को माफ नहीं कर पाएंगे। और फाइनली ये एक फैमिली वॉर, जैसे कि एक सिविल वॉर होती है, उसको सामने लाता है। यहाँ से ये भी शो होता है कि कैसे कभी कभी एक दूसरे के लिए हेट पास डाउन हो जाती है हमारी जनरेशन्स में। ये मूवी आयरिश पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।